तलातल में भी सूर्य की रोशनी जाती है, रसातल में भी सूर्य की रोशनी जाती है, पर केवल एक लोक ऐसा है, पाताल लोक, जिसमें सूर्य की किरण नहीं जाती, जिसमें सूर्य की रोशनी नहीं जाती। अब जरा ध्यान देना, एक लोक ऐसा है जिसमें सूर्य की किरण नहीं जा रही है, तो पूछा गया, विचार किया गया, फिर पाताल लोक में प्रकाश कैसे होता होगा, उजाला कैसे होता होगा, पाताल लोक प्रकाशित कैसे होता होगा। सारे लोकों में सूर्य की किरण जाती है, केवल एक पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं जाती, रसातल में जा रही है, तलातल में जा रही है, सब जगह पर सूर्य की किरण जा रही है, बस एक स्थान पाताल लोक ऐसा है जिस पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं है। पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं पहुंची। तो किसी ने पूछा कि अगर मान लो सूर्य की किरण इस पाताल लोक में नहीं जाती तो यहां प्रकाश कैसे होता। यहां इतना प्रकाश कैसे होता है? तो शास्त्र कहता है, वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया कि पाताल लोक में सूर्य की किरण भले ना जाए, पर वहां जो प्रकाश है, वहां जो उजाला है, वो प्रकाश, वो उजाला, जितने पाताल लोक में सर्प रहते हैं, नाग रहते हैं, उन नागों के मस्तक पर जो मणि रहती है, उस मणि का प्रकाश इतना रहता है कि पाताल लोक में सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती, वहां प्रकाश ही प्रकाश होता है। वहां प्रकाश ही प्रकाश होगा। अब आप भी थोड़ा सा स्मरण करिएगा, आप भी अपने ध्यान लगाइएगा कि पाताल लोक में भगवान शंकर के वासुकी नाग जो उनके गले में पड़े हुए हैं, पाताल लोक के अगर कोई स्वामी माने गए हैं तो वह वासुकी नाग को माना गया। पाताल लोक का अगर कोई राजा माना गया है तो वह वासुकी नाग को माना गया। पाताल लोक का अगर स्वामी कहा गया है तो वह वासुकी नाग को कहा गया। और वासुकी नाग कहां पर है? भगवान शंकर के जम के बोलो जरा, शिवजी के गले। अब जब वासुकी नाग भगवान शंकर के गले में है और शास्त्र कह रहा है कि पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं जाती पर पाताल लोक में इतना प्रकाश रहता है, तो वो प्रकाश कहां से आता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, वेदव्यास जी स्कंद पुराण के अंदर कहते हैं कि जितने पाताल लोक में सर्प रहते हैं, उन सर्प के मस्तक पर मणि होती है, उस मणि का प्रकाश इतना रहता है कि पूरे पाताल लोक में प्रकाश ही प्रकाश रहता है। उसी तरह भगवान शंकर ने वासुकी नाग से गले में, वासुकी नाग को जब भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं तो वासुकी नाग से कहते हैं, सुन वासुकी, जो मेरे ऊपर जल चढ़ाने के लिए आएगा, जो शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आएगा, वासुकी नाग सुन, उस